भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। केंट जो वणक्कम, सत श्री अकाल, जिन दोबरे। ये नजारा वाकई अद्भुत है और आपका ये उत्साह भी अद्भुत है। मैं जब से यहां पैर रखा है आप थकते ही नहीं है। आप सभी पोलैंड के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, खानपान है, लेकिन सब भारतीयता के भाव से जुड़े हुए हैं। आपने यहां इतना शानदार स्वागत किया है, मैं आप सभी का, पोलैंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत आभारी हूं। साथियों, पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है। और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। कुछ महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था, वहां भी 4 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी है। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आपको भी यहां यही अनुभव आ रहा है ना? मेरी जानकारी सही है ना? साथियों, हमारे लिए ये जियो पॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि संस्कारों का, वैल्यूज का विषय है, जिनको कहीं जगह नहीं मिली उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। ये हमारी विरासत है जिस पर हर भारतीय गर्व करता है। पोलैंड तो भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, जब पोलैंड की हजारें महिलाएं और बच्चे शरण के लिए जगह जगह भटकते थे, तब जाम साहब, दिग्विजय सिंह, रंजीत सिंह, जाडेजा जी आगे आए। उन्होंने पुलिस महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कैंप बनवाया था। जाम साहब ने कैंप के पुलिस बच्चों को कहा था, जैसे नवानगर के लोग मुझे बापू कहते हैं, वैसे ही मैं आपका भी बापू हूं। साथियों, मेरा तो जाम साहब के परिवार से काफी मिलना जुलना रहा है, मुझ पर उनका अपार स्नेह रहा है। कुछ महीने पहले भी मैं वर्तमान जाम साहब से मिलने गया था। उनके कमरे में पोलैंड से जुड़ी एक तस्वीर आज भी है और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि जाम साहब के बनाए रास्ते को पोलैंड ने आज भी जीवंत रखा है। दो दशक पहले जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था तो जामनगर भी उसकी चपेट में आ गया था। तब पोलैंड सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले देशों में से एक था। यहां पोलैंड में भी लोगों ने जाम साहब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है। ये प्यार वॉर्सो में गुड महाराजा स्क्वायर में साफ साफ दिखता है। कुछ देर पहले मुझे भी दोबरे महाराजा मेमोरियल और कोल्हापुर मेमोरियल के दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस अविस्मरणीय घड़ी में मैं एक जानकारी भी आपको देना चाहता हूं। भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 पोलिश युवाओं को हर साल भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। इससे भारत के बारे में पोलैंड के युवाओं को और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। साथियों, यहां का कोल्हापुर मेमोरियल भी कोल्हापुर के महान राजघराने के प्रति पोलैंड की जनता का श्रद्धाभाव है, एक ट्रिब्यूट है। महाराष्ट्राच्या, नागरिकांच्या आणि मराठी संस्कृतीच्या प्रति पोलंडचे नागरिकांनी व्यक्त केलेला हा सन्मान आहे। मराठी संस्कृतीत मानव धर्म आचरणाला सर्वात अधिक प्राधान्य आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से कोल्हापुर की रॉयल फैमिली ने वलीवड़े में पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को शरण दी थी। वहां भी एक बहुत बड़ा कैंप बनाया गया था। पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने दिन रात एक कर दिया था। साथियों, आज ही मुझे मोंटे कैसिनो मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। ये मेमोरियल हजारों भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी, उनकी भी याद दिलाता है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे विश्व के हर कोने में भारतीयों ने अपना कर्तव्य निभाया है। साथियों, 21वीं सदी का आज का भारत अपनी पुरानी वैल्यूज, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत को उन खूबियों के कारण जानती है जिसे भारतीयों ने सारी दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है। हम भारतीयों को एफर्ट्स, एक्सेलेंस और एम्पैथी के लिए जाना जाता है। हम दुनिया में जहां भी जाते हैं, हम भारत के लोग मैक्सिमम एफर्ट्स करते दिखाई देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हो, केयर गिवर्स हो या हमारा सर्विस सेक्टर हो, भारतीय अपने एफर्ट से अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये मैं आपकी बात बता रहा को लगता होगा कि मैं किसी तीसरे देश की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में भारतीय एक्सीलेंस के लिए भी पहचाने जाते हैं। आईटी सेक्टर हो या भारत के डॉक्टर्स हो, सभी अपने एक्सीलेंस से छाए हुए हैं। और कितना बड़ा ग्रुप तो मेरे सामने ही मौजूद है। साथियों, हम भारतीयों की एक पहचान एम्पैथी भी है। दुनिया के किसी देश में संकट आए, भारत पहला देश होता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। कोविड आया, 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई, तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। दुनिया में कहीं भी भूकंप आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भारत का एक ही मंत्र है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। साथियों, जिस प्रकार आपने यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की मदद की, वो भी हम सभी ने देखा है। आपने उनकी बहुत सेवा की थी, आपने लंगर लगाए, आपने अपने घर के दरवाजे खोले, अपने रेस्तरां खोल दिए। पोलैंड की सरकार ने तो वीजा जैसे बंधनों को भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया था। यानी पोलैंड ने पूरे मन से हमारे बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। आज भी जब मैं यूक्रेन से लौटे बच्चों से मिलता हूं तो वे पोलैंड के लोगों की और आपकी खूब प्रशंसा करते हैं। और इसलिए आज मैं यहां 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का, पोलैंड के लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। साथियों, भारत और पोलैंड के समाज में अनेक समानताएं हैं। एक बड़ी समानता हमारी डेमोक्रेसी की भी है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही, एक पार्टिसिपेटिव और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भी है। भारत के लोगों का डेमोक्रेसी पर अटूट भरोसा है। ये भरोसा हमने हाल के चुनावों में भी देखा है। ये इतिहास के सबसे बड़े चुनाव थे। अभी यूरोपियन यूनियन के भी चुनाव हुए हैं। इसमें करीब 180 मिलियन वोटर्स ने वोट डाले। भारत ने इसे 3 गुना से अधिक, करीब 640 मिलियन वोटर्स ने वोटिंग की है। भारत के इन चुनावों में हजारों पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा लिया। करीब 8,000 कैंडिडेट्स मैदान में थे। 5 मिलियन से ज्यादा वोटिंग मशीन्स, 1 मिलियन से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस, 15 मिलियन से ज्यादा कर्मचारी। इस स्केल का मैनेजमेंट, इतनी एफिशिएंसी और चुनाव पर इस लेवल का ट्रस्ट, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया को ये लोग जब ये आंकड़े सुनते हैं ना, तो उनको चक्कर आ जाता है। साथियों, हम भारतीय डायवर्सिटी को जीना भी जानते हैं, सेलिब्रेट करना भी जानते हैं, और इसीलिए हर सोसाइटी में हम आसानी से घुल मिल जाते हैं। पोलैंड में तो भारत के बारे में जानने, समझने और पढ़ने की एक पुरानी परंपरा रही है। ये हमें यहां की यूनिवर्सिटीज में भी देखने को मिलता है। आप में से काफी लोग वॉर्सो यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी में गए होंगे। वहां भगवद गीता के, उपनिषदों के आदर्श वाक्य हम सबका स्वागत करते हैं। तमिल हो, संस्कृत हो, ऐसी अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ने वाले यहां अनेक लोग हैं। यहां की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में इंडिया स्टडीज से जुड़ी चेयर्स हैं। पोलैंड और भारतीयों का एक कनेक्ट कबड्डी से भी है। आप भी जानते हैं, भारत में गांव-गांव में कबड्डी खेली जाती है। भारत से ये खेल पोलैंड पहुंचा है और पोलैंड के लोगों ने कबड्डी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। पोलैंड लगातार 2 सालों तक यूरोपियन कबड्डी चैंपियन रहा है। मुझे बताया गया है कि 24 अगस्त से एक बार फिर कबड्डी की चैंपियनशिप होने जा रही है और पहली बार पोलैंड इसकी मेजबानी कर रहा है। मैं आज आपके माध्यम से पोलैंड की कबड्डी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आपने कुछ दिन पहले ही यहां आजादी का उत्सव मनाया है। आजादी के आंदोलन के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने समृद्ध भारत का सपना देखा था। आज हर भारतीय उस सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। भारत ने लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक खुद को भारत, विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के हमारा देश आगे बढ़ा। इसलिए आज का भारत अभूतपूर्व स्केल, स्पीड और सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है। भारत में किस स्केल और स्पीड पर आज परिवर्तन आ रहा है, ये सुनकर आपको भी गर्व होगा। सुनाओ, भारत में पिछले 10 साल में 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और 250 मिलियन मतलब ये संख्या फ्रांस, जर्मनी और यूके की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। दस साल में गरीबों के लिए 40 मिलियन पक्के घर बनाए हैं और हम 30 मिलियन और घर बनाने वाले हैं। और अगर पोलैंड में आज 14 मिलियन हाउस होल्ड है तो हमने सिर्फ एक दशक में करीब 3 नए पोलैंड बसाए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को तो हम नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। 10 साल में भारत में 500 मिलियन जनधन बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं। ये संख्या पूरे यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन के बराबर ही हर रोज भारत में यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा भारतीयों को सरकार 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देती है। पिछले एक दशक में भारत में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या भी 60 मिलियन से बढ़कर 940 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है, यानी यूरोप और यूएसए की पॉपुलेशन को मिला दे करीब उतने लोग आज भारत में ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं। बीते दशक में करीब 7 लाख किलोमीटर 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर 70 बार चक्कर लगाने जितना है। भारत ने 2 साल के भीतर ही देश के हर जिले तक 5G नेटवर्क पहुंचाया है। अब हम मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। साथियों, भारत की ट्रांसफॉर्मेशन की ये स्केल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी दिखती है। 2014 में भारत के 5 शहरों में ऑपरेशनल मेट्रो थी, आज 20 शहरों में ऑपरेशनल मेट्रो है। पोलैंड की 1/3 पॉपुलेशन जितने लोग आज रोजाना मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं। साथियों, भारत जो भी करता है वो नया रिकॉर्ड बन जाता है, इतिहास रच जाता है। आपने देखा है, भारत ने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी 2 दिन बाद 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे है। आप भी जानते हैं, याद है ना? क्या याद है? इसी दिन भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल में अपना चंद्रयान उतारा। जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया, वहां भारत पहुंचा है, और उस स्थान का नाम है भारत दुनिया का 3रा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। साथियों, दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा करीब 16-17% रहा है, लेकिन आबादी के लिहाज से ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी पहले उतनी नहीं थी। अब स्थितियां तेजी से बदल रही है। साल 2023 में ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 16% से अधिक रही है। आज दुनिया की हर एजेंसी, हर संस्था भारत के शानदार फ्यूचर की भविष्यवाणी कर रही है। और ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये आंकड़ों के हिसाब से हिसाब लगाते हैं, जमीनी हकीकतों के आधार पर हिसाब लगाते हैं। अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने देश की जनता को वादा किया है, मेरे तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन के रहेगा। आने वाले वर्षों में दुनिया भारत का जबरदस्त आर्थिक उभार देखने जा रही है। नेस्कॉम का अनुमान है कि अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भारत इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। नेस्कॉम और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का आकलन है कि आने वाले 3-4 साल तक भारत का एआई मार्केट करीब 35% की स्पीड से ग्रो करेगा। यानी भारत को लेकर एक अभूतपूर्व पॉजिटिविटी चारों तरफ नजर आ रही है। आज भारत सेमीकंडक्टर मिशन, डीप ओशन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन और एआई मिशन पर इसलिए काम कर रहा है ताकि आने वाले अनेक दशकों तक भारत बहुत आगे रहे। भारत आने वाले कुछ वर्षों में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की भी तैयारी कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब आप भारत के एस्ट्रोनॉट्स को मेड इन इंडिया गगनयान, से अंतरिक्ष में जाते हुए देखेंगे। साथियों, भारत का पूरा फोकस आज क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी मैन पावर पर है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बहुत आवश्यक है। हाल में जो बजट आया है उसमें हमने अपने यूथ की स्किलिंग और जॉब क्रिएशन पर बहुत जोर दिया है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान पढ़ाई के लिए आए हैं। हम भारत को भी एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने में जुटे हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल केयर हो, एजुकेशन हो, हर सेक्टर में दुनिया के लिए एक स्किल्ड मैन पावर बनाने का बीड़ा भारत ने उठाया है। मैं आपको हेल्थ सेक्टर का एक उदाहरण दूंगा। पिछले 10 सालों में हमने भारत में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बनाए। पिछले 10 साल में भारत में मेडिकल सीट्स बढ़कर अब दोगुनी हो चुकी है, 10 साल में डबल। इन 10 सालों में हमने अपने मेडिकल सिस्टम में 75,000 नई सीटें जोड़ी है। अब आने वाले 5 सालों में हम मेडिकल की 75,000 नई सीटें और जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इससे क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। और हमारा तो दुनिया को एक ही संदेश है, वो दिन दूर नहीं, हम कहेंगे हील इन इंडिया। अभी हम तैयारी कर रहे हैं। साथियों, इनोवेशन और यूथ भारत और पोलैंड दोनों के देशों की विकास के ऊर्जा देने वाले हैं। आज मैं एक बड़ी खुशखबरी लेकर आपके बीच आया हूं। भारत और पोलैंड दोनों देशों ने आपस में एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बना ली है। इसका लाभ आप जैसे सब साथियों को होने वाला है। साथियों, भारत का विजन ग्लोबल है, भारत का विजन ग्लोबल है, भारत का कल्चर ग्लोबल है, केयर और कंपैशन ग्लोबल है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज के भारत के नीति और निर्णयों में नजर आता है। G20 के समय भारत ने आह्वान किया वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसी भावना में 21वीं सदी की दुनिया के बेहतर भविष्य की गारंटी है। भारत वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के कंसेप्ट से दुनिया को जोड़ना चाहता है। ये भारत ही है जो वन अर्थ वन हेल्थ को स्वस्थ दुनिया की गारंटी मानता है। वन हेल्थ यानी होलिस्टिक वेलबींग पर हमारा फोकस होना चाहिए, जिसमें हमारे एनिमल्स हो, पेड़ पौधे भी हो, सबकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। आज जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं उसमें वन हेल्थ का सिद्धांत और जरूरी हो गया है। भारत ने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का एक मॉडल पूरी दुनिया को दिया है। आपने भारत में चल रहे एक बड़े अभियान के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये अभियान है एक पेड़ मां के नाम। करोड़ों भारतवासी आज अपने जन्मदाता मां के नाम पर पेड़ लगा रहे हैं और इससे धरती मां की भी रक्षा हो रही है। साथियों, इकोनॉमी और इकोलॉजी में बैलेंस आज भारत की प्राथमिकता है। ये भारत ही है जो डेवलप्ड नेशन और नेट जीरो नेशन ये दोनों संकल्प एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत ग्रीन फ्यूचर के लिए 360 डिग्री अप्रोच पर काम कर रहा है। ग्रीन मोबिलिटी इसका एक बड़ा उदाहरण है। हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। भारत आज तेज गति से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार कर रहा है। आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल हर साल तेजी से बढ़ रही है। पिछले वर्ष ईवीज की बिक्री में 40% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। वो दिन दूर नहीं जब भारत ईवी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनेगा। आने वाले समय में आप भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के भी बड़े ग्लोबल हब के रूप में देखने वाले हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत और पोलैंड के बीच भी पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है। बहुत सी भारतीय कंपनियों ने यहां इन्वेस्ट किया है, जॉब्स क्रिएट की हैं। पोलैंड की अनेक कंपनियों ने भारत में अवसर बनाए हैं। कल मेरी मुलाकात राष्ट्रपति डूडा जी और प्रधानमंत्री टुस्क जी से भी होने वाली है। इन मुलाकातों से भारत पोलैंड की शानदार साझेदारी और मजबूत होने वाली है। प्रधानमंत्री टुस्क तो भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं। जब वे यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष थे तब भी मेरी कई बार उनसे मुलाकात हो चुकी है। साथियों, आज का भारत एक स्वर, एक भाव से एक विकसित भविष्य लिखने में जुटा है। आज भारत अवसरों की धरती है। आपको भी भारत की ग्रोथ स्टोरी से अधिक जुड़ना है और आपको भारत के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी बनना है। मतलब क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे खुद की तस्वीर लगा करके रखेंगे, ताजमहल के सामने बैठेंगे। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है कि आपको हर वर्ष हर एक को कम से कम 5 पोलिस परिवारों को भारत देखने के लिए भेजना है। करेंगे। इतना तो होमवर्क देना चाहिए ना मुझे। आपका हर प्रयास आपके भारत को विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। साथियों, एक बार फिर यहां आने के लिए, इस शानदार स्वागत के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।